बॉलीवुड गलियारों की खबरों का पिटारा चलता रहता है, इसलिए एक साथ सभी और निजी खबरें जान पाना आपके लिए भी आसान तो नहीं है। ऐसे में मैं गौरी इंगले महाराष्ट्र रेडियो 24 से आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की टॉप 5 खबरें एक साथ। चलिए देखते हैं। मौजूदा समय के साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार रजनीकांत फिल्म वेटेनम की चर्चा में बने हुए हैं, जो सिनेमा घरों में जमकर धूम मचा रही है। इसी बीच उनकी एक अपकमिंग मूवी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जो कि आमिर खान से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि 30 साल बाद वह रजनीकांत के साथ काम करते दिखेंगे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबर सामने आई है। इस सिनेमाई जगत के नामी एक्टर बाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ उनकी बेटी ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक्स वाइफ अमृता सुरेश ने भी गंभीर आरोप लगाया है। बाला के साथ उनके मैनेजर और एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। अपने टाइम में एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन देकर तहलका मचाने वाली मल्लिका शरावत ने विक्की विद्या को वाला वीडियो से स्क्रीन पर वापसी की है। फिल्म में उनकी एक्टिंग पसंद की जा रही है। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि महिलाओं के लिए खुद का पैसा बनाना क्यों और कितना जरूरी है। रकुलप्रीत सिंह हिंदी के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहती है। उन्होंने अपना करियर भी साउथ फिल्मों से भी शुरू किया था। एक बार वह प्रभास के साथ मूवी कर रही थी, मगर उन्होंने बिना बताए फिल्म से आउट कर दिया गया था, जिसका पता उन्हें दिल्ली आने के बाद पता चला। श्रद्धा कपूर अक्सर अपने डेटिंग को लेकर चर्चा बटोरती रहती है। कुछ समय उनका नाम तो झूठी से मक्कार के शहर लेकर राहुल मोदी के साथ जुड़ा रहता था। कहा जा रहा था कि फिल्म के सेट पर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ था। अब उन्हें अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी तोड़ी है। ऐसे ही बॉलीवुड का रिव्यू, सॉन्ग रिव्यू, चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड गपशप विद गौरी, ऑनली ऑन महाराष्ट्र टीवी 24।